हाय दोस्तों, मेरा नाम है नचिकेत दिखे और मैं हूँ एक वॉइस एक्टर। शायद आपने मेरी आवाज सुनी होगी, अगर नहीं सुनी है तो चलिए आज सुन लीजिए। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम ऐश! कहाँ हो तुम? क्या कर रहे हो? इतने दिन कहाँ थे तुम? बस वीडियो बना रहे थे। ये तो चली गई। चलिए अब हम इस चैनल पर ले आएंगे पोकेमोन के सारे वॉइस एक्टर्स। तो अब हम एक सीरीज शुरू करने वाले हैं। इस चैनल पर आपको मिलने का मौका मिलेगा उन सारे वॉइस एक्टर्स से जो पोकेमोन में अपनी आवाज देते हैं। एक काम करते हैं, इस सीरीज की एक छोटी सी झलक देख लेते हैं। तो हियर यू गो। हाय दोस्तों, मैं हूं रुचा लिखे। मैं हूं आप सबकी चहेती नस्टी की वॉइस। Hey guys, my name is Uplaksh Kochhar और मैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ और आज मैं आपको अपने बारे में एक इंट्रोडक्शन देने आया हूँ। आज जिस वीडियो के लिए हम साथ में आए हैं सभी लोग, वो है पोकेमोन। आप सभी मुझे जानते हैं ब्रॉक की वॉइस के लिए। जी हाँ, मैं पोकेमोन में ब्रॉक के कैरेक्टर की वॉइस हूँ, हिंदी वॉइस। और ये काम हमने कुछ लगभग 4 से 5 साल पहले शुरू किया था। मेरा नाम है ब्रॉक, लेकिन तुम मुझे बुला सकती हो अपना दोस्त, अपना साथी और अपना हम सफर। कितनी अच्छी बात है कटरीना के हम यहाँ पर मिले। तुम्हें खूबसूरत फूल जैसी हो और मैं तुम्हें पिकचू नहीं। पिकचू? ओ अच्छा, तो चलो चलकर देखते हैं। हाँ, तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दरअसल मुझे भूख लगी है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम विनोद शर्मा है। मेरा वॉइसिंग करियर तकरीबन 20 साल पहले शुरू हुआ था पोकेमोन। पोकेमोन में मैंने नरेशन की है, जो शुरुआत और एंड में आती है। पिछली बार आपने देखा एश पैलेट शहर का हीरो पिकाचू को चुनता है, जो एक पोकेमोन है जिसे उसका ट्रेनर बिल्कुल पसंद नहीं करता। काफी टाइम बाद में चैनल ने कहा कि हमारे हीरो जा रहे हैं टेब्रिक शहर, जहां होने वाला है टॉन का अगला पोकेमोन कॉन्टेस्ट। क्या उसमें टॉन 5वां रिबन जीत पाएगी? हाय एवरीवन, मैं हूं शगुफ्ता बेग और मैं एक वॉइस और डबिंग आर्टिस्ट हूं। उसके अलावा मैं रेडियो प्रेजेंटर हूं ऑल इंडिया रेडियो के साथ पिछले 15 सालों से ऑलमोस्ट। तो जैसी जो है वो कैरेक्टर जो मैंने डब किया है पोकेमोन में, बहुत ही खास है मेरे लिए, बहुत स्पेशल है। तो अक्सर होता है कि वो डायलॉग बोलना पड़ता है और सामने वाला जो बच्चा रहता है वो जेम्स का डायलॉग बोलता है। तो ऐसे अगर मैं पहली लाइन बोलूँ, दुनिया को तबाही से बचाने के लिए, तो सामने बच्चा बोलेगा सबको एक साथ लाने के लिए। जब इसे पता चल ही गया है तो नमूना दिखा दे। मुसीबत के लिए तैयार हो जाओ, हम वो नहीं जो तुम सोच रही हो। क्या हम दिखा दें असली रूप? वी। हाय दोस्तों, मैं हूँ सायुरी, मतलब आपकी प्यारी डॉन और सेरिना। पोकेमोन मेरे लिए काफी स्पेशल रहा है, मतलब आई डोंट इवन नो वेयर टू बिगिन। मेरे फेवरेट डबिंग सीन्स अगर पोकेमोन की बात करूं तो नामुमकिन, वो मैग्नेजॉन यही कहीं पर होना चाहिए, उसने हमारे साथ भी बिल्कुल वैसे ही किया। हाय गाइस, मैं हूं राजेश कवा, मैं एक वॉइस एक्टर हूं। अब बात करते हैं पोकेमोन की। पोकेमोन एक तो अपने आप में इतना बड़ा ब्रांड, और हाँ एक कैरेक्टर था जो मैं रेगुलर करता था, वो पोके डेक्स, पोके टैब, जो टेलीफोनिक उसकी आवाज आती है मशीन टाइप का, वो था। तो वो किया, मजा आता था। तो सुपर सीरीज, सुपर हिट टीम, मजा आता था। गैरी नहीं, गैरी सर कहो, वक्त की कीमत करोगे तभी आगे बढ़ोगे। ऐश, मैं हूँ डेक्सटर, एक पोके टैब जिसे प्रोग्राम किया गया है पोकेमोन ट्रेनर ऐश कैचम के लिए। हेलो, मैं मौसम सबीना मलिक, और तकरीबन 17-18 साल से डबिंग कर रही हूँ वॉइस आर्टिस्ट के तौर पर। ऑफिसर जेनी एक बहुत ही बिंदास ऑफिसर है और हमेशा हड़बड़ी में रहती है,
उसे बच्चों की मदद करनी होती है और बच्चों से मदद भी चाहिए होती है। बात यह है कि एक मैग्नसन अचानक से शहर में आ गया है और वो बेवजह पोकेमोन पर हमला कर रहा है। मैं देखती हूँ, रुक जाओ। आई होप ये वीडियो देखकर आपको मजा आया होगा। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है, सो स्टे ट्यून्ड। और मिस्टी, मैंने तुम्हारी बात मान ली, अब तो मेरा पीछा छोड़ो। पिकाचू, चोकोपी, चलो मेरे साथ, इसे रहने दो यहीं पे, ना समझ कहीं के, देखते रहो अपने वीडियोस, बनाते रहो अपने वीडियोस, बाय। हाँ, मिस्टी तो मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली। कोई बात नहीं, मिस्टी से भी मिलेंगे अगले एपिसोड में, ब्रॉक से भी मिलेंगे उसके अगले एपिसोड में, सो स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय। मैं हूँ मिस्टी की वॉइस। चैनल पे चली आ रही है बिहाइंड द सीन।